अला मूड खराब है, पता नहीं घर वाले ने आज क्या बना रहा है वो घर पे। पता नहीं क्या कर रही है बैठी बैठी। ओए क्या कर रही है ये, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तूने खाना बनाया नहीं? इतनी पीकर क्यों आते हो तुम? मैं बना रही तो हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ओए सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे क्या अभी अभी खाना ला कर दे। उठ साली यहाँ से, उठ। जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से बना दूँ? थोड़ा आटा बचा था मैंने बच्चों को बनाकर खिला दी। मुझे पता है साली, तुम मुझसे झूठ बोल रही है। घर में खाना रखा है, मैं अभी देखता हूँ। कुछ भी नहीं है साला घर में। ये क्या ड्रामा कर रहे हो? तुम तो पीकर आ गए, मेरे बच्चे और मैं क्या खाएंगे? अच्छा तो तुम मुझसे जमा लड़ाएगी? देख सुन, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। अगर एक घंटे के अंदर खाना नहीं बना मेरा नहीं तो तू इस घर में से बाहर निकल जाएगी, समझ गई? और हाँ, तेरे पास किसने पैसे हैं? ला पैसे दे, मेरी दारू खत्म होने वाली है। तुम मुझे पैसे देते हो क्या? जो मैं तुम्हें पैसे दे दूं? अच्छा तो तुम मुझसे झूठ बोल रही है, ये नहीं है पैसे। सुन अगर तुझे इस घर में रहना है तो ढंग से रह, वरना इस घर से बाहर निकल जा। मुझे नहीं पता, मुझे तो मिल गए एक बोतल के पैसे। हे भगवान, तुमने मेरी जिंदगी में शराबी क्यों डाला? ये मेरे भाई, ये मेरे, ये मेरे। ओए रुका भी, मुझे भी तो अपने पत्ते देखने दे, उसके बाद पैसे उठाना। चल तू इधर दे ये पैसे। ओए क्या कह रहा है तू? ये देख तीन गुलाम है। तू भी ये देख तीन रानी। ओए अभी इस तरीके से पैसे नहीं उठा सकता तू, अभी यहाँ रख, मुझे अभी तो देखने दे ना। ओए, ये पैसे मुझे दे। पता है तुझे? ये देख पहले। ये देख तीर रानी, कैसे ले जा सकता है तू पैसा? ए, रानी की बात मत कर। ये देख तीन बादशाह। ये पैसे तुम्हारे किसी के नहीं है, ये पैसे मेरे हैं। ओए, तूने मेरा ऐसे कैसे आदरों का? ये देख तीन बादशाह। अबे ओए रुक जा, ये देख तीन इक्का। चल भाई पत्ते बांट दोबारा। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, उठकर बैठ। भाई देख मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हार गया हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे भाई तेरे पास बहुत कुछ है अभी। भाई मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। अरे भाई तेरे पास सुंदर बीवी तो है, उसे ही लगा दे दाई पे। हाँ भाई ये ठीक कह रहा है। अरे अब की बार अपनी वाइफ को ही लगा दे तू दाई पे, क्या पता तेरी किस्मत बदल जाए और तेरे सारे पैसे वापस हो जाए। हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो इस दाई पर मैंने अपनी बीवी लगा दी। देख ये पैसे और तेरी बीवी मेरे हुए। चल भाई अब मुझे अपनी बीवी दे। देख भाई मेरी बीवी घर पर है, तू जा मैं पीछे से आता हूँ।
ओए सुरई, मुझे लगता है यही घर दिख गया नीरज का। आ चल जल्दी। अरे ओए चल, अपनी मम्मी को बुला कर ला। मम्मी कोई बुला रहा है। क्या कह रहा है बेटा, कौन आया है? हाँ बेटे कौन आया है, चल मुझे दिखा। ओए चमिया चल इस घर को छोड़, हमारे साथ चल। तुम लोग मेरी मम्मी के साथ बदतमीज क्यों कर रहे हो? अरे ओए छोटू क्या करेगा तू, ज्यादा बोल रहा है कुछ? तेरी मम्मी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं हम क्या है? अब ये हमारी है तेरी मम्मी नहीं है। ओए सुन चमिया, तू इससे क्या बात कर रही है? ये क्या कहेगा हमारे सामने? अब सुन, अब तू हमारी है, इसकी नहीं है। सुनो जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या कह रहे हैं मुझे? तुम इन लोगों को रोक नहीं सकते हो क्या? ओए सुन चमिया, ये क्या कहेगा? वो तुझे बताया नहीं है? पता है ये तुझे जुआ में हार चुका है, अब तू हमारी है, इसकी नहीं है, अब हमारी चलेगी तेरे ऊपर हुकूमत। क्या ये सच है कि तुम मुझे जुए में हार गए हो ऐसे इंसान पे? हाँ ये बात सच है, मैं तुझे जुआ में हार चुका हूँ, अब तुम मेरी नहीं इनकी हो गई, जा इनके साथ। ओए सुन चमिया चल हमारे साथ। छोड़ो मेरा हाथ और मुझे छूने की कोशिश ही मत करना, वरना मैं तुम्हारे नाम की FIR दर्ज कराऊंगी। अरे ओए सुन, तेरी वाइफ हमारे साथ जाने के लिए राजी नहीं है, ये पुलिस तक की बात कर रही है, हमें पुलिस का कोई लपड़ा नहीं चाहिए। अभी तुझे हम 3 घंटे की मोहलत और दे रहे हैं, सीधे से अपनी वाइफ को दे देना, हम हमारे हवाले कर देना, नहीं समझ लेना मुझसे बुरा नहीं होगा, अभी तो हम जा रहे हैं। आओ रे। ओए मेरी बात ध्यान से सुन, देख मैं सच में तुझे जुआ मार चुका हूँ, तुझे उनके साथ जाना होगा, चल अपने कपड़े और लत्ते पैक कर निकल। बेटा विवेक, तेरे पापा सो गए हैं और हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, वरना वो शराबी हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अबे ओए उठ, तेरी अभी उतरी नहीं क्या? कहाँ है तेरी वाइफ? ठीक है, मुझे लगता है तूने हमारी वजह से अपनी वाइफ को पहले ही भगा दिया है? बहुत अच्छा काम किया तूने तो रे। अरे नहीं भाई, मेरी वाइफ घर के अंदर ही होगी, मैंने उसे कपड़ा लत्ता पैक करने के लिए बोला था। क्या रे, तू हमसे ही झूठ बोल रहा है? तेरी वाइफ कहाँ है घर में? हमसे चालबट्टी कर रहा है ना कि कपड़े पैक करने भेजी है मैंने। सुन बे, तू सच बता दे कहाँ भेजी है तूने अपनी वाइफ, और नहीं तो वरना तेरी वो हालात कर देंगे हम, क्या तू कभी सोचेगा भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ घर के अंदर ही होगी, मैं अभी देखता हूँ। क्यों रे, अब क्यों मुंह लटका रहा है? तूने ही भगाई है ना अपनी बीबी, तूने तो अपनी वाइफ भगाई है, अब हम तुझे इस घर से भगाते, ये घर और ये सारी जमीन जायदाद तेरी हवा हमारी होगी। चल निकल यहां से, निकाल दे रे इसे। मम्मी मम्मी मुझे पेट में दो यारी, मुझे प्यास लग रही है। चल बेटा पहले छाया में चलते हैं, उसके बाद तुझे पानी पिलाती हूँ, ठीक है?
मम्मी हम कितनी देर तक काम करेंगे? सुन बेटा, जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम यही काम करेंगे। और सुन बेटे, जब हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब तू अपना बिजनेस करना। ठीक है मम्मी, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा, मम्मी अपना घर छुड़ा लूँगी। चल बेटा, भट्टे मालिक से हम पैसे लेते हैं फिर हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। देखो माँ, इस प्रॉपर्टी के कागज, यहाँ से वहाँ तक ये हमारी ज़मीन है। देखो माँ, ये काम चल रहा है ना, यहाँ पर हमें ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा नाम हो। देख बेटा, आज तूने ये सब तो खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी मेरे दिल में एक चीज़ चुभती है, जिस जगह तेरा बचपन गुजरा था। माँ खुलकर बताओ ना, किस चीज़ की कमी है, आज पूरी कर दूंगा। बेटा ये सब देख कर तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे आज तेरे बचपन की यादें आ रही हैं। हाँ माँ, मैं सब समझ गया तुम्हारी फीलिंग को, तुम पिताजी को मिस कर रही हो। माँ तुम टेंशन मत लो, चलो गाड़ी में, आज वो भी प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, चलकर पिताजी से मिलवाता हूँ। ठीक है बेटा। इस तरीके से चलने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना? ओए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है रे क्या? हैं? क्यों रे क्यों? आबे, इसी तरीके से ड्राइविंग करनी आती है तुझसे क्या? हैं? तुझे बिल्कुल ही अकल नहीं है क्या? अरे तू, उस दिन तो हमारे हाथों से बच गई थी, पता नहीं किस टाइम तू भागकर चली गई। ओए, इसका मतलब यह नहीं मैं चुप खड़ा हूं, अगर तूने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। क्या कहा? ये तेरी माँ है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है, कुछ याद आया? और जिस तरीके से तुमने मेरे पति को दारू पिलाकर बर्बाद किया, उस तरीके से मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। सुनो मैडम, हमने तुम्हारे पति को दारू पिलाकर बर्बाद नहीं किया था, तुम्हारे पति तो स्वयं दारू पीते थे, वो इसीलिए उनका दिमाग खराब हुआ था। अगर तुम्हें सही सलामत रहना है तो ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे? सुन बेटे, हमें तेरे पिताजी की तो पता नहीं, जो तेरी जमीन और प्रॉपर्टी के कागज है ना वो ये ले, हम तेरी जमीन और प्रॉपर्टी वापस करते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी का हमें पता नहीं, वो कहाँ ना कहाँ गए। आओ मां चलते हैं ढूंढते पिताजी को। अरे माँ, देखना कौन पड़ा है, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ पानी की बोतल लेकर आना, ये तो बेहोश है। अरे बेटा, ये तो तेरे पिताजी हैं, ले पानी डाल इनके ऊपर। अरे पूजा तुम? हाँ मैं, और ये तुम्हारे बेटा विवेक, तुमने पहचाना नहीं? पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुन बेटा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगे। और सुन बेटे, मेरी तो सारी उम्मीदें ही टूट गई थी तुम्हारे जाने के बाद। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ अपना परिवार देखकर, और बेटे मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा, और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि आज के बाद शराब पीकर अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कोई ना करे। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? चलो अब घर चलते हैं और सब साथ मिलकर रहेंगे।